Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ टिप्स रिलेटेड टू स्किन केयर एंड बॉडी केयर ड्यूरिंग समर्स. So, if you guys are interested, then keep on watching. So, basically जो स्किन और जो हमारी बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है विंटर्स में और डिफरेंट सीजन्स में एंड समर्स में वो डिफरेंट रिएक्ट करती हैं. तो इसलिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, हमें अलग अलग चाहिए होती हैं डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग. एंड जैसे कि अब समर्स आने वाली है और ऑलमोस्ट आई थिंक आ ही गई हैं, तो उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो काफ़ी अलग होती हैं विंटर्स से. तो लेट्स टॉक अबाउट देम. तो पहली चीज़ ये है, काफ़ी टाइम आपने काफ़ी लोगों से सुना ही होगा ऑलरेडी कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. तो उसके पीछे भी रीज़न होता है कि डिहाइड्रेशन से आप फेंट हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं. सबसे पहली बात तो पानी पीने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और आपने बहुत जगह आई थिंक सुना ही होगा ये, बट इट इज़ एक्चुअली रियल कि आपकी स्किन बहुत बहुत अच्छी हो जाती है जितना ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं. तो हाइड्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है एंड कोकोनट वाटर इज द बेस्ट थिंग. सो दूसरा पॉइंट है वर्कआउट करना, मेडिटेशन या जॉगिंग या जिम, कुछ भी. तो बेसिकली विंटर्स में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं. हाँ, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है. एंड समर्स में हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है बिकॉज विंटर्स में इतना ठंड होने की वजह से लोग इतना वर्कआउट नहीं कर पाते और वो काफ़ी लेजी हो जाते हैं. बट समर्स में आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं, उतनी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं और जितना आप मॉर्निंग वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, बहुत अच्छा करेगी रिएक्ट. सो थर्ड पॉइंट है यूज़ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. सो बेसिकली हर सीज़न में हमारी स्किन अलग तरह की होती है. जैसे विंटर्स में कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है एंड मेरी भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर्स में, एंड उतना ही समर्स में थोड़ा कॉम्बिनेशन उसका स्किन टाइप हो जाता है. तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स मोस्टली ऐसे होते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं. तो अपने जो भी अपने प्रोडक्ट्स बाय करने हैं वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपको बाय करने चाहिए. पहले अपनी स्किन टाइप को जानना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको बाय करने हैं ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखे. So these are my skincare products and most of them are my collabs and मैंने अपनी skin type के हिसाब से इनको रखा हुआ है and मैं बहुत ही जल्दी इस पर भी video बनाने वाली हूँ products पर. So my fourth point is body and face shave. तो कई लोग waxing करवाते हैं, कहीं कुछ और करवाते हैं. तो basically मुझे काफ़ी time हो गया है and मैं बॉडी पे रेज़र ही यूज़ करती हूँ एंड मैं उसे काफ़ी कंफर्टेबल मानती हूँ और बहुत इजी है. तो और मुझे उसे लाइक ऐसा लोग कहते हैं कि उनको हार्ड बाल आते हैं, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता है. इट्स आई थिंक जस्ट अ मिथ और जो लोग नहीं यूज़ करते उनको एक्चुअली ऐसा फील होता है. बट जो लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होंगे उन्हें पता ही है कि ऐसा कुछ नहीं होता. बेसिकली द थिंग इज़ जब आप शेव करते हैं तो आप उसको ट्रिम कर रहे हो अपने हेयर को, तो वो ऑब्वियसली रूट से नहीं निकलता, वो ट्रिम होता है एक लेयर से. तो वो जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो लोगों को हार्ड बाल फील होते हैं, तो वो ऐसा उन्हें लगता है कि नहीं यार हार्ड हेयर आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता. और जो हम वैक्सिंग कराते हैं वो रूट से हम उन्हें खींचते हैं तो इसलिए वो हमें सॉफ्ट लगते हैं कंपैरेटिवली. तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू. एंड बहुत लोग फेस शेव भी करते हैं और मैं भी करती हूँ एंड वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन काफ़ी क्लियर हो जाती है अगर हम शेव करते हैं. एंड वो भी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छा फील करती है. सो दिस इज़ द रेजर विच आई यूज़ ऑन माई बॉडी एंड दिस इज़ द रेजर विच आई यूज़ ऑन माई फेस एंड ऑल्सो मैंने वीडियो भी पोस्ट की है कि कैसे करना है. सो फिफ्थ पॉइंट है यूज़ नोज शीट और फेस शीट मास्क, जो कि आपको आई थिंक मैं काफ़ी पोस्ट भी करती हूँ इसके बारे में, मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ शीट मास्क. और मैं मानती हूँ कि जब भी आपको कुछ और समझ नहीं आता है, बेसिकली आप सोचते हैं नहीं यार अभी कुछ बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो सबसे ईजी होता है शीट मास्क अपने फेस पर लगाना एंड
बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है वो फेस को, एंड मोस्टली रात को अप्लाई करने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है. एंड नोज़ पे जो हमारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, नोज शीट उसके लिए बहुत अच्छी है, और मैं आपको वो भी बता दूँगी जो भी मैं यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी. सो दीज आर द फेस शीट्स, एंड किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं. मैंने पॉन्ड्स की ली है, ये मुझे ऑफ़र में मिला था 5 pieces कॉम्बो पैक, एंड मैं यही यूज़ कर रही हूँ फॉर द टाइमिंग. एंड दिस इज़ नोज़ शीट और नोज़ पैक, तो ये भी मैंने पैक लिया था, इसमें 7 pieces हैं, एंड मैंने इसका ट्राई किया और मैं इसका भी रिव्यू डालूंगी. 6th point इज टेक प्रॉपर स्लीप. सो स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बॉडी केयर और स्किन केयर के लिए, बिकॉज जितना अच्छा आप सोएंगे उतना अच्छा वो आपकी बॉडी पे और स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा. एंड कहते हैं ना, जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसके डार्क सर्कल्स होते हैं, एंड उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा लेजी और थकी हुई होती है. तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे और हमारी स्किन पे भी वो काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा. 7th point इज यूज सनस्क्रीन ऑन फेस एंड बॉडी एज वेल. कई लोगों को लगता है सिर्फ फेस पे अप्लाई करना ही सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है. सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बोथ सीजन्स में, बट समर्स में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. एंड जितना फेस पे उसको यूज़ कर रहे हो आपको बॉडी पे भी करना चाहिए, बिकॉज टैनिंग अगर एक बार हो जाती है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम वो ठीक होने में. तो इट्स बेटर टू यूज सनस्क्रीन, और वो आपकी स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट करती है एंड उसके काफ़ी फायदे होते हैं. सो दिस इज द सनस्क्रीन विच आई यूज ऑन माई फेस एंड आई जस्ट लव दिस, और इसका मैंने रिव्यू भी डाला है. एंड ये सनस्क्रीन मुझे कोलैब में आई थी, मुझे खास पसंद नहीं आई, तो मैं इसे बॉडी पे अप्लाई करती हूँ. 8th point इज रिलेटेड हेयर केयर, विच इज हेयर ऑयल. एंड हमें आजकल की जनरेशन क्या है, मोस्टली हेयर ऑयल नहीं यूज करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास टाइम नहीं है, सेकेंड थिंग उन्हें लगता है कि ऑयल लगाने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, और वो डिफरेंट शैम्पूज प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि जो ऑयल के बेनिफिट्स हैं वो भी उन्हें उसके थ्रू ही मिले. बट ऐसा नहीं होता, नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती हैं, और जब आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो आपको रिजल्ट्स देंगे, और तब आपको समझ आएगा कि नहीं, हमें ऑयलिंग करनी ज़रूरी है. बेशक आप उसे हफ्ते में 1 या 2 बार कर लीजिए, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. So people who follow me know that I have a brand with my mother which is Mother Oil, और मैं बचपन से ही use कर रही हूँ, and this is my favorite hair oil. And अगर आपने buy करना है तो मैं यहाँ पर number डाल दूँगी. And now for lip care, Vaseline is the best and affordable thing. और जब से मैं ये use कर रही हूँ मेरे lips बहुत better हो गए हैं. So my last point is really very important. जो भी आपके पुराने प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपायर हो चुके हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो जाके अपनी कबर्ड में चेक करिए जो भी एक्सपायर हो चुके हैं, और जो भी आप यूज़ नहीं करते एक बार उन्हें चेक करिए और डिस्कार्ड कर दीजिए. बिकॉज क्या होता है, कई बार आप उसे यूज़ कर लेते हैं और वो फेस पे रिएक्ट कर जाता है एंड उससे काफ़ी ज़्यादा फेस ख़राब हो जाता है. तो सबसे पहले तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहिए कि वो एक्सपायर हो गए हैं या नहीं, तो उन्हें टाइमली डिस्कार्ड कर देना चाहिए ताकि आप क्लियर कर लो अपनी कबर्ड एंड बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट से उसको सेट कर दो. सो अ जेंटल रिमाइंडर, जस्ट डिस्कार्ड ऑल द एक्सपायर्ड एंड ओल्ड प्रोडक्ट्स. सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपको. एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं और क्या आपके लिए पोस्ट कर सकती हूँ, और मुझे आइडियाज़ दीजिए ताकि मैं उसे रिलेटेड पोस्ट करूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.